हेलो फ्रेंड्स, दीपास किचन एंड कॉस्मेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बरसात के दिनों के लिए उपयोगी एंटी फंगल हर्बल मेहंदी पेस्ट। बरसात के दिनों में खास तौर पे बालों के डैमेज हो जाते हैं, बालों में फंगस हो जाता है, बालों में खुजली हो जाती है, बाल बहुत ही झड़ते हैं और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यह पेस्ट लेके आई हूँ। आप लोग यह पेस्ट हफ्ते में 15 दिन में बालों में एक बार ज़रूर करें इस्तेमाल। इस पेस्ट को लगाने से बाल बहुत ही कम झड़ते हैं। चलिए हम शुरू करेंगे। हमको पानी ले लेना है। पानी को गर्म करने के लिए रख देना। एक गिलास मैंने यहाँ पानी लिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को सामग्री बता देती हूँ। एक चम्मच मेथी दाना है, एक चम्मच चाय पत्ती है, एक कॉफ़ी पाउडर पैकेट है और करी लीव्स हैं। मेहंदी आपको अपने बालों के हिसाब से लेनी है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मेहंदी ली है। पानी यहाँ गर्म हो गया है। मेथी दाना को ले लेंगे, चाय पत्ती को ले लेंगे और करी लीव्स को ले लेंगे। तीन सामग्री को हमको इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी पाउडर और मेहंदी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। करी लीव्स हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। करी लीव्स में जो गुण होते हैं वो हमारे बालों को, बालों का ग्रोथ बढ़ाते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। मेथी दाना एंटी फंगल होता है। बालों के स्कैल्प के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा होता है। चाय पत्ती हमारे बालों को चमकदार बनाती है। इन सारी सामग्रियों को हम 10 मिनट तक उबाल आने तक पकाएंगे। एक गिलास पानी आधा गिलास रह जाए जब तक हमको इस सबको पकाना है। यह मेहंदी आपको 15 दिन में एक बार लगाना है। आप जब इस मेहंदी को लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे मुलायम बनेंगे और कम झड़ेंगे। यह 10 मिनट तक आपको ऐसे चलाते हुए पकाते रहना है। जब यह गर्म हो जाएगा तो हम एक बर्तन में इसको छान लेंगे। और मेहंदी तो हमारे बालों के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है और यह एंटी फंगल मेहंदी बन चुकी है। एंटी फंगल गुणों से भरपूर, खासकर बरसात के दिनों में आप इसको ज़रूर लगाएं तो आपके बाल डैमेज कम होंगे। पानी यहाँ गर्म हो गया, अच्छे से बन गया। आप एक बर्तन में ले इसको छान लेना है। इसमें हम अब कॉफ़ी पाउडर डालें। कॉफ़ी पाउडर मैंने इसलिए रखा है, कॉफ़ी पाउडर को हल्के गर्म पानी में ही डालना है। पकाते समय मत डालिएगा तो इसका असर बहुत अच्छा आता है और बालों में ये एक बहुत ही अच्छी शाइनिंग और कलर लेके आता है। अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 2 कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। फेंटते हुए, इसमें कोई फुटकी वगैरह ना रह जाए, इसको फेंटते हुए रख दें। 2-3 घंटे तक इसको भीगने दें और भीगने के बाद अपने बालों में इसको अप्लाई करें।